गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज एग्जाम मैनियक्स। गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं किस बारे में आज वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो टेंटेटिव वैकेंसीज है उसके बारे में बात करें तो 5000 वैकेंसी आई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 20 मार्च का है, यानी कि 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट यानी कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 अप्रैल का है और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेंटेटिव जो है अप्रैल के सेकेंड वीक में होगा। अब यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज बताया है, ठीक है। स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, ये सारी जितने भी स्टेट है उनमें कितनी कितनी वैकेंसीज आई है उसके बारे में ये पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग एक बार ध्यान से गो थ्रू कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगी। अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 31 मार्च 2023 के बारे में बताया है। एज के बारे में बात करेंगे तो मिनिमम एज आपका 20 ईयर्स होना चाहिए आपका और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में देख लीजिए। जो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए वो ग्रेजुएट और डिग्री होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। फिजिकल मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे, इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, वो मेडिकली फिट होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जो भी कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन के लिए इंटरेस्टेड है वो इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 5000 वैकेंसीज आई है, टेंटेटिव वैकेंसीज। अब यहाँ पे अदर कंडीशंस के बारे में, ये पूरा पॉइंट जो है अदर कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ध्यान से गो थ्रू कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका फर्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन रिटन टेस्ट के बारे में बताया है। तो देखिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स, दैट इज क्वांटिटेटिव जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट, बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी पब्लिश्ड अलॉन्ग विद द कॉल लेटर, ठीक है। यहाँ पे सारा मेरिट लिस्ट के बारे में बताया है, लोकल लैंग्वेज प्रूफ के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बात करें तो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट शैल बी 1 ईयर। ट्रेनिंग कंडीशन, ओवर टाइम लीव, हॉलीडेज के बारे में भी पूरा एक्सप्लेन किया है नोटिफिकेशन में। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन इन एज लिमिट के बारे में बताया है, तो चलो एक बार देख लेते हैं। जो फर्स्ट अपना है शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स का रहेगा, OBC के लिए 3 ईयर्स का, PWBD के लिए 10 ईयर्स का, और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रिट 5 ईयर्स का है। विडोज, डिवोर्स वुमेन, वुमेन के लिए सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट मैरिड, उनके लिए अप टू एज ऑफ 35 ईयर्स, और अप टू 40 ईयर्स फॉर मेंबर ऑफ SC/ST के लिए हैं एज रिलैक्सेशन। द कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 31 मार्च 2023 है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया है, इंटीमेशन फीस के बारे में। तो PWBD जो कैंडिडेट्स होंगे जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे PWBD से, उनका जो एप्लीकेशन फीस रहेगा 400+ GST। शेड्यूल कास्ट के लिए जो रहेंगे 600+ GST, ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 800+ GST रहेगा। और ये पूरा जो पार्ट है एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट, चीटिंग वगैरह जो भी एग्जाम में करेगा या फिर मोबाइल फोन वगैरह यूज करेगा, तो उसके लिए पूरा एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया है कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है उस पर जाके आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एग्जामिनेशन को लेके मैंने आपको बता दी है। अगर इसके बाद कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो भी लोग हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर मोर न्यू अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस। Every single day.